सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल स्टे राउंड की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, ताकि उम्मीदवारों को एआईक्यू के एक राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। अखिल भारतीय कोटे के लिए स्टे राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई हैं। अब उम्मीदवारों को एआईक्यू के एक राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सकेगी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC का फैसला चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य के हित में है। पीठ ने कहा कि जब भारत सरकार और MCC ने काउंसलिंग का कोई विशेष राउंड न कराने का सोच समझकर फैसला लिया है, तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने बुधवार को शीर्ष न्यायालय को बताया था कि उसने नीट पीजी 21 के लिए 4 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वह विशेष काउंसलिंग कराकर 1456 सीट को नहीं भर सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। नीट पीजी 2021-22 परीक्षा में बैठने वाले और अखिल भारतीय कोटा AIQ काउंसलिंग और राज्य कोटा काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में भाग लेने वाले डॉक्टर्स ने ये याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट अखिल भारतीय कोटा के एक खाली राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीट के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका को नीट पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टरों ने दाखिल किया है, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा AIQ काउंसलिंग और राज्य कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉप अप और स्टे मॉप अप राउंड हुए। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया की एक सीमा होनी चाहिए और अगर काउंसलिंग के 8 या 9 राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती है तो छात्र 1.5 साल के बाद अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।